तेलंगाना में फंसे झारखंड के 1200 मजदूरों को लेकर 24 डिब्बों वाली पहली ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हो गई है। ये ट्रेन लिंगमपल्ली से सुबह करीब 5 बजे रवाना हुई और रात 11 बजे ये झारखंड के हटिया पहुंचेगी। हर कोच में सिर्फ 56 मजदूरों को बैठने की इजाजत दी गई है। इन मजदूरों को भेजने से पहले पूरी मेडिकल जांच की गई है। वहीं झारखंड में क्वारंटीन से लेकर सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 25 अप्रैल को लॉकडाउन होने के बाद से चलने वाली ये पहली ट्रेन है। इसके बाद राज्य सरकार पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल मीडिया में बयानबाजी कर रही है, प्रवासी झारखंडियों को लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हेमंत सरकार बयानबाजी छोड़कर दूसरे राज्य में फंसे लोगों को लाने के लिए ठोस रणनीति बनाए। राज्य सरकार ने केंद्र से प्रवासियों को लाने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। जब केंद्र ने अनुमति प्रदान कर दी तो सरकार तरह तरह के बहाने बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए हर प्रयास में जुटी है। 3 लाख मजदूरों का डाटा तैयार किया गया है। बहुत जल्द पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बस से लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार हवाई जहाज से लोगों को वापस लाने की पहल करेगी। न्यूज डेस्क।